नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट और सोने की चमक लगातार बढ़ते जा रही है, क्योंकि इसी महीने अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में 5% की तेजी देखने को मिली है। दरअसल कॉमेक्स पर सोना फिर $1900 के ऊपर पहुंच गया है। जो व्यू यहां से इंटरनेशनल मार्केट से बन रहा है वो तेजी के बन रहा है, और अब 2000+ इनफैक्ट 3000 तक के टारगेट्स भी गोल्ड में देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आए हैं वो अनुमान से ज्यादा रहे हैं, जिसने कीमतों को सपोर्ट किया है, और अब नजरें टिकी हुई है US के रोजगार आंकड़ों पर। ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, तेजी कितनी बनेगी सोने चांदी में यहां से, और किन स्तरों पर भी एंट्री आप ले सकते हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के भार्गव वैद्य हमारे साथ हैं, निर्बंग कमोडिटी से कुणाल शाह हैं, LKP सिक्योरिटीज के जयवीर त्रिवेदी और CNBC TVT ने कमेंटेटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का स्वागत है इस शो में, और शुरुआत तो प्राइसेस के आउटलुक पर ही लेंगे और उसके बाद हम डिमांड सिनेरियो पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन जतिन, अगर इमीडिएट स्ट्रेटजी कुछ प्लान करनी हो गोल्ड पे तो क्या बाय के साथ जाएंगे? यस दीपाली, जिस तरह से मार्केट शेप्ड अप है, पॉजिटिविटी जो है वो बुलियंस के अंदर फेवरेबल है, स्पेशली गोल्ड प्राइसेस यू नो सस्टेनेबल लेवल्स जो है वो काफी हद तक मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। प्राइसेस जो है वो राइजेस के बाद एक कुछ इमीडिएट स्ट्रॉन्ग फॉल्स नहीं आ रहे हैं। अगर कोई फॉल आ भी रहा है तो मार्केट तुरंत उसको पचा लेता है, तुरंत से उसके अंदर बाइंग जो है वो इमर्ज हो जाती है। तो यस डेफिनेटली यहाँ पर गोल्ड की जो है वो बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी, जिस तरह से मार्केट शिफ्ट अप है। और लेवल वाइज अगर हम देख लें तो छोटा सा माइनर डिप मिलता है इंट्राडे में, तो बाइंग करने की सलाह रहेगी हमारी। 49,200 के लेवल्स जो है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट प्ले करते हुए दिखने में मिलेंगे आज के दिन में, और ये हफ्ते के पूरे अगर हम बात कर ले तो 48,500-48,700 जो एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट रहेगा। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 48,500 स्टॉप लॉस है, डे ट्रेडर्स के लिए 48,900 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट ट्रेंड जो है वो यस ऑन द वर्ज ऑफ बुलिश ट्रेंड ही है अभी तो फिलहाल। टारगेट जो लेकर चलना है वो डे ट्रेडर्स के लिए 49,600 के आसपास का पकड़ के चलना है, और स्विंग ट्रेडर्स के लिए 50,200 के आसपास का जो है वो टारगेट पकड़ के चलना है गोल्ड के अंदर। फॉर दिस वीक हमारा व्यू जो है वो बुलिश ही रहेगा गोल्ड के अंदर। होने पर यहाँ पर व्यू बुलिश ही है, खरीदारी करके ही चलना चाहिए, और जैसे भार्गव जी कह रहे थे कि करंट लेवल्स भी यहाँ पर बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर डे ट्रेडिंग सोने में ज्यादातर नहीं करते इन्वेस्टर्स स्पेशली, तो लंबे समय के लिए यहाँ पर सोना अभी भी आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। जी, बेस मेटल्स पर जतिन, आप कुछ पिक करेंगे क्या, बेस मेटल पैक से दूसरा नेचुरल गैस पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? दीपाली, जिस तरह से बेस मेटल का मार्केट शेप्ड अप है, जो वोलेटाइल सेशंस दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइसेस जो है वो एक डिप जो मेजर डिप आई थी लास्ट वीक के उसके पहले, तब हमने देखा था कि प्राइसेस जो है वहां पे वापस से तुरंत सस्टेन करते हुए फिर से एक बाउंस जो है वो दिखा रहे हैं। और अभी हायर लेवल्स की अगर हम बात कर लें तो निकल की जैसे कि हॉट कमोडिटी है आज की, तो लेवल वाइज 1344 से लेकर 1350 ये जो है उसका एक नेक्स्ट हर्डल है, तो यहाँ तक तो डेफिनेटली एक टारगेट बनेगा ट्रेडर्स के लिए। और जो स्विंग लो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1290 का जो एक स्विंग लो है रिसेंटली, वो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, तो वहां पर एक स्टॉप लॉस भी बिठा के रखना जरूरी है। हॉट कमोडिटीज में यस डेफिनेटली बेस मेटल्स के अंदर कॉपर एंड निकल आर द फेवरेबल्स राइट नाउ फॉर ट्रेडिंग। और जो नेचुरल गैस की हम बात करेंगे तो यस, जिस तरह से लास्ट वीक में उसने प्राइसेस एक अच्छी खासी सस्टेनेबल रैलीज दिखाई है, जो हायर हाई जो लेवल्स है वो थोड़े बहुत ब्रीच करते हुए भी दिख रहे हैं। प्राइसेस जो है मेनली सपोर्टिव ले रहे हैं अराउंड अबाउट 215 के जोन जो है वहां पर, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नेचुरल गैस प्राइसेस के अंदर यहाँ से थोड़ा एक बाउंस जो है वो डेफिनेटली बनता है प्राइसेस के अंदर। एंट्री लेवल जो है वो 219 के आसपास की है हमारी, और जो स्टॉप लॉस जो बिठा के रखना है वो 216 का रखना है। टारगेट जो अपसाइड में पोटेंशियली है वो 225 से लेकर 226 का रखता है नेचुरल गैस। इफ इन केस प्राइसेस डू यू नो स्टार्ट टू इंक्रीज अबाउट 225, देन नेक्स्ट हर्डल इज अराउंड 233-235। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नेशनल गैस पर है, जहां पर अपॉर्चुनिटी आप खरीदारी की तरफ देख सकते हैं। ये सजेशन है जतिन की ओर से, जो टारगेट्स इन्होंने सुझाए हैं वो 225 के हैं, 216 का आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं फिलहाल। हालांकि जो भाव है वो 219 के आसपास कारोबार करते हुए देख जाते जाते। जतिन, आपसे एक क्विक व्यू यहां पर करेंसी पे लेना चाहेंगे, रुपए में आपको क्या लगता है, क्योंकि अप्रिसिएशन के साथ ये मई का महीना यहां पर बंद जरूर हो रहा है, लेकिन आगे जून में जाते हुए क्या क्यूज देखते हैं आप? मनीषा, वी ऑलरेडी सीन एक रुपए के अंदर जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक जो है राइज देखने मिला है। यस, द इकोनॉमीज आर आल्सो हेल्पिंग द रुपी प्राइसेस, बट इवेंचुअली यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। 72-25 जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन रहेगा मुझे लग रहा है रुपी के लिए। सो USD/INR जो है यहाँ से थोड़ा फेवरेबल ज्यादा लग रहा है बाइंग साइड के लिए। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से भी अच्छी खासी यहाँ पे जो है वो एक फेवरेबल ट्रेड बनेगा। सो कीपिंग स्टॉप लॉस बिलो 70-10 ऑन द फ्यूचर्स
इवेंचुअली जो स्पॉट में जो बनेगा वो स्टॉप लॉस बन रहा है अराउंड अबाउट 71.80, 71.75, सो विच इज नॉट अ वेरी बिग फॉल. यहाँ से एक 50 पॉइंट का जो है, 50 पैसे का जो है वो यहाँ से एक रिस्क रहेगा, बट उसके सामने रिवॉर्ड जो काफी फेवरेबल ट्रेड बन रहा है पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए. 73.25 जो है वो इजिली मुझे लग रहा है अचीवेबल रह सकता है आगे चलते हुए. रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छी खासी फेवरेबल ट्रेड है. यस, डे ट्रेडर्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज है फॉर यूएसडीएनआर पे. 73.10, 73.20 जो है वो एक हर्डल है, वहां पे एक टारगेट के लिए एम करके चल सकते. ऑलराइट, रुपए में जिस तरह की अप्रिसिएशन हमने मई के महीने में आते हुए देखी है वो शायद आगे देखने को ना मिले, वो सामने आपके रुपया है, लेकिन आज भी यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर मूव्स के साथ कारोबार होता हुआ. बहुत शुक्रिया जतिन कुणाल हमारे साथ जुड़ने के लिए. इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आप देखिए ब्रेक के बाद लेके आएंगे फ्यूचर्स एक्सप्रेस.